नमस्कार दोस्तों, मुंबई इंडियंस के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। करो या मरो मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से। इन 11 खिलाड़ियों के भरोसे होगा प्ले ऑफ में टिकट। तो जाने है क्या है पूरी अपडेट इस वीडियो में। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स रिलेटेड हर अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि IPL 2022 का 69th मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स के नज़रिए से यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि प्लेऑफ का टिकट पाने के लिए ऋषभ पंत की पलटन को यह मुकाबला जीतना जरूरी है। इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक खेले 13 मुकाबलों में 7 में जीत दर्ज की है, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना किया है। वहीं इस दोनों टीमों एक दूसरे के खिलाफ एक मुकाबला पहले ही खेल चुकी है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। ऐसे में दिल्ली की इस सफर को जारी रखना चाहेगी। वही टीम के कप्तान ऋषभ पंत इस सीजन में अब तक कुल 11 मुकाबलों में एक बार भी 30 से ज़्यादा गेंदे नहीं खेल पाए हैं। वह हर मुकाबले में छोटी पारी खेलकर अपना विकेट गवा बैठते हैं। मुंबई के खिलाफ ऋषभ पंत से फैंस को कुछ अच्छे की उम्मीद होगी। आइए जानते हैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। हमें सबसे पहले सरफराज खान खेलते नजर आएंगे। वही दूसरे नंबर पर डेविड वॉर्नर, तीसरे नंबर पर मिचेल मार्श, चौथे नंबर पर कप्तान और विकेट कीपर ऋषभ पंत, पांचवें नंबर पर ललित यादव, छठे नंबर पर रोहन पावेल, सातवें नंबर पर अक्षर पटेल, आठवें नंबर पर एंड्रिच नॉर्टजे, नौवें नंबर पर कुलदीप यादव, दसवें नंबर पर खलील अहमद और ग्यारहवें और सबसे आखिरी नंबर पर शार्दुल ठाकुर हमें खेलते नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में दिल्ली ने मारी बाजी। बता दें कि इस सीजन की शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच एक मुकाबला खेला गया था। इस मुकाबले में IPL की 5 बार की चैंपियन रही मुंबई इंडियंस को दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट से हराया था। दरअसल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहली बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के सामने 170 रनों का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 19वें ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर जीत दर्ज कर ली थी। लिहाजा दिल्ली अपने इस जीत के सफर को जारी रखने के लिए एक बार फिर मुंबई का सामना करेगी। इसी तरह की दिल्ली कैपिटल्स रिलेटेड हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।